और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम उन श्रम वीरों को पुष्प वर्षा उनके ऊपर कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के ऊपर पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। जिस तरह से मेहनत की और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। आपको बता दें तमाम लोगों को मेहमान बनाया गया था जो इस राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं, उन श्रमजीवियों को भी यहां पर बतौर मेहमान बुलाया गया था और अब उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। चूंकि इन्हीं तमाम कर्मचारियों की, श्रमजीवियों की, मजदूरों की बदौलत राम मंदिर इतना जल्द तेज गति से बनकर तैयार हो पाया। साल 2020 में शिलान्यास हुआ, 2024 में उद्घाटन हो रहा है और इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए कुछ इस भांति देखिए तस्वीरों में। सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या धाम से दिखा रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर से दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है तमाम कर्मचारियों के ऊपर। क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। राम सबके हैं, राम सबके रहेंगे, ये लगातार कहा जाता रहा है और एक बार फिर कहा जा रहा है, आगे भी कहा जाता रहेगा। राम किसी एक के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, राम सभी धर्मों के हैं, राम सभी लोगों के हैं। जो मानता है उनके हैं, जो नहीं मानता है उनके भी हैं। और ऐसे में आज पूरा देश, पूरा संसार राममय नजर आ रहा है इस पावन मौके पर, जब भगवान श्री राम लला 500 सालों के बाद अपने महल में वापस लौटे हैं। गृह प्रवेश उनका आज हुआ है कुछ इस भांति, जब साक्षी बने हैं हजारों लोग वहां मौजूद रहकर और असंख्य लोग इस माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और लगातार प्रधानमंत्री द्वारा आपको बता दें कि पुष्प वर्षा तमाम कर्मचारियों के ऊपर की जा रही है। और ये कितना गौरव का पल क्षण है उन तमाम कर्मचारियों के लिए भी जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत से ये राम मंदिर इतनी जल्दी प्रथम चरण में बनकर तैयार हो पाया है और अब जल्द इसका आगे भी विस्तार होता रहेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने करीब 35 मिनट का भाषण दिया प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और एकदम आनंद मग्न होकर के मैं अब बाहर अभी दर्शन करके निकल रहा था, आपसे भेंट हो गई। मैं समस्त राम भक्तों के संघर्ष को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं, या जो हैं संघर्ष करने वाले उनको भी जय श्री राम प्रणाम है और जो अब नहीं है उनको भी जय श्री राम प्रणाम है।